बस हम लोग अब चेकआउट कर रहे हैं हमारे रूम से, लेट हो गए हैं सो आज जस्ट लीविंग। सो रात को हमने आपको दिखाया था कि ये है जहाँ हमने रूम लिया था, बस आउटर लोकेशन ही सारी पार्किंग थी। अब बस रेडी होके निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है हमारे ट्रिप का डे 3 और जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने बस अभी उस होटल से चेकआउट किया जहाँ हम लोगों ने रात को स्टे लिया था, होटल ग्रीनलैंड, और अब हम लोग निकल रहे हैं द्यू फोर्ट देखने। वी आर ऑल सेट एंड रेडी और द्यू फोर्ट देख के फिर देखते हैं या तो कुछ और जगह एक्सप्लोर कर लेंगे, अदरवाइज़ हम लोग पहले होटल चेक इन करेंगे। सो एज़ द प्लान गोज़, तब तक आप थोड़ा सा ये व्यू इन्जॉय कर सकते हैं। हमारे बिल्कुल पैरेलल चल रही है अरेबियन सी। एंड नाउ यू सी, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार। गर्मी बहुत है बाहर आज, बट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ दीव बहुत छोटा सा आइलैंड है, तो ऑलमोस्ट जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं घूमने के प्लेसेस स्पेशली, वो सब आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि हमारे होटल से भी हमने देखा ओनली 1.2 किलोमीटर्स पे है दीव फोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं दीव फोर्ट। किला तो हम एक्सप्लोर करने में नंबर वन है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के किले ही किले देखते हैं। आगरा गए वहाँ किला देखा, जयपुर गए वहाँ किला देखा, अब दीव का किला भी देख लेते हैं। बहुत ही पुराना है ना, पोर्टुगीज ने बनाया था ना, देखते हैं वहाँ की हिस्ट्री अगर पता चलती है। वाओ, मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया, ना तो इस जमीन की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। और हम पहुंच भी गए दीव फोर्ट पर, बस पार्किंग कर लेते हैं। गाड़ी पार्क कर ली हम लोगों ने, अब बस जा रहे हैं दीव फोर्ट देखने। बहुत ही गर्मी है यार आज, तो हालत ख़राब हो जाएगी घूमते घूमते। के साथ ही जैसे हम लोग देखते हैं हर जगह, हर लोकेशन टूरिस्ट लोकेशन पे कुछ ना कुछ छोटे से मार्केट होती है, खाने पीने की, थोड़ी सी शॉपिंग की, तो ये वही है। बस एंटर कर रहे हैं। सो मयंक जी की स्पेशल डिमांड पे हम आ गए हैं नारियल पानी पीने। कोस्टल एरिया में आए हैं, स्पेशली दीव, तो यहाँ नारियल पानी तो बनता है। सांसे जल उठी, प्यार है इश्क है या है दीवान। यहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्शन शुरू में, एंड यहाँ से हम एंटर करते हैं दीव फोर्ट में। वो सामने दरिया और बीच में शायद लाइट हाउस है, और यहाँ पे भी इन लोगों ने ये ऐसे गहरा गैप किया होता है ताकि यहाँ पे पानी भरा होता है पहले, दुश्मन की सेना ना आ पाए। अभी तो यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन ये किले की दीवारों को और किलों को ऐसे प्रोटेक्ट किया करते थे। और ये है इस दीव फोर्ट के नीचे फर्स्ट जो हमें छोटी सी एंट्रेंस दिखी, वहाँ से हम आए हैं, तो यहाँ से व्यू तो गजब है। ये व्यू ही बस हमें खींच के ले आया है। वाओ, अभी वहां ऊपर भी जाएंगे। यहाँ पे रखी हैं ये दो तोपें, एक ये है और एक ये। लोगों ने तो इसको फुटेज का पॉइंट बना लिया है, लेकिन आई थिंक ये किले की रक्षा के लिए थी। यहाँ पे सोल्जर्स खड़े होते होंगे तो चेक और निगरानी करने के लिए आसपास। वहाँ पे इवन की वो छोटा सा पॉइंट भी बना हुआ है छुपने के लिए।
नीचे से मज़ा लेने के बाद अब देखते हैं ऊपर की तरफ। पूरे फोर्ट पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत सारा यहाँ पे सीमेंट, मिट्टी, पत्थर, बहुत कुछ। देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से, बंद ना कर दिया बस इन्होंने अब। और हम आ गए हैं टॉप पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी तोप किले की रक्षा के लिए, जो कि अब लोगों के लिए बन गया है फोटो स्पॉट्स। और अभी हम थे वहाँ उस पॉइंट पे, और अब ये है किले के ऊपर से नज़ारा। यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे तो एक और पॉइंट है जहाँ लोग फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। ये बिल्कुल टॉप है किले का, और वहाँ पीछे हमें दिखाई दे रहा है लाइट हाउस। हमारा फाइनल नज़ारा बिल्कुल टॉप पॉइंट से व्यू फोर्ट के, वहाँ हम सबसे पहले गए थे। वहाँ से हमने देखा था वो लाइट हाउस जो पानी के बीचों बीच था, और फिर अभी थोड़ी देर पहले हम थे यहाँ नीचे तोपों के पास। ओ अभी तो वहाँ दूर और भी व्यू फोर्ट है, बट ये जो नज़ारा है so vast and beautiful। और अब चल रहे हैं जो टॉप से हम लोगों ने देखा था ना, सेकंड वाला एरिया जहाँ से हम समंदर को और दूसरी साइड से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ एक्सप्लोर करने के बहुत सारे एरियाज हैं, तो कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से। हमने चुन लिया ये वाली राह क्योंकि हमें तो ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है, जहाँ हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं बस हम उस तरफ को चल देते हैं। तो बेसिकली किले के हर कोने में जहाँ से भी, ये वैसे पैनोरामिक व्यूज़ है ना अरेबियन सी के, तो हर जगह तोप लगा रखी हैं, जहाँ से भी एनिमी आता दिखे वहाँ से ही उसे मार देंगे। और यहाँ आप समंदर देख सकते हैं एट इट्स वेरी बेस्ट, शायद आपको आवाज़ भी सुनाई दे। तो अब हम लोगों ने फोर्ट कंप्लीट कर लिया है, अब बस जा रहे हैं बाहर फोर्ट से, और फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है। इस फोर्ट से जो अरेबियन सी के नज़ारे थे वो बहुत ही अच्छे थे, सारे नज़ारे बहुत सुंदर, स्पेशली जो हाइट्स पे है, बहुत मज़ा आया गाइस, इट वाज वर्थ सीइंग। गर्मी बहुत थी लेकिन फिर भी नज़ारे देखने
तो कुछ सेक्रीफाइसेस तो चाहिए।